सीबीआई ने कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को टेपिंग मामले में क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह पूर्व कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के खिलाफ उनके राजनेताओं, वकीलों, पत्रकारों और उद्योगपतियों के बीच हुई बातचीत की टेप की सामग्री की जाँच में उसे कोई आपत्तिजनक बात नहीं मिली है। केंद्रीय जाँच ब्यूरो के अधिवक्ता ने कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को 8,000 अलग अलग टेप बातचीत से संबंधित मामले में क्लीन चिट देते हुए कहा कि उसने इससे जुड़े 14 मामलों में प्रारंभिक जांच की थी, पर कोई मामला नहीं बनने के कारण प्रारंभिक पूछताछ बंद कर दी गई। बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच नीरा राडिया बनाम रतन टाटा मामले की सुनवाई कर रही है। इस याचिका में 84 वर्षीय उद्योगपति ने लॉबिस्ट नीरा राडिया और टाटा समूह के बॉस सहित अन्य व्यक्तियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को मीडिया आउटलेट्स की ओर से प्रकाशित किए जाने के बाद अपने निजता के अधिकार की रक्षा की मांग की है। मामले में पेश होने वाले वकीलों में सिद्धार्थ लूथरा, एसएसजी ऐश्वर्या भाटी और प्रशांत भूषण शामिल हैं। सुनवाई के दौरान एसएसजी भाटी ने कहा कि निजता के अधिकार मामले में फैसला आने के बाद अब इस केस में कुछ भी नहीं बचा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मामले में पहले भी सीबीआई जांच करने का आदेश दिया गया था। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि वह अन्य मामलों में व्यस्त हैं और चाहते हैं कि इस विषय पर बहस हो। इसके बाद पीठ ने इस मामले पर पास ओवर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई को कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की बातचीत की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नीमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि हम इस मामले में अब छुट्टियों के बाद सुनवाई करेंगे, क्योंकि अगले सप्ताह एक संविधान पीठ है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।